चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं XMG 55 टन ट्रैवलर ट्रेन है। चलिए चलते हैं, उतार हैं अपने। ये देखिए, ये अपना रहा केविन। और उस्ताद जी कैसे हैं? हम मस्त, आप बताइए। एकदम बिल्कुल फाइन। आप क्या जानना चाहते हैं बताइए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। आप पूछिए, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं? देखिए, ऑपरेट इसका नॉर्मल है, कोई खास नहीं है। अच्छा, वही सिंपल तरीका है सब। अपना स्विच है, इसको ऑन करना पड़ता है। राउंड करके दिखाइए। तो सबसे पहले इसको केबिन में बैठेंगे। अच्छा, बैठने के बाद अपना सीट एडजस्ट कर लेंगे। सीट एडजस्ट करने वाला है, देखिए ये है। और इसको स्लाइड कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है? आपको जैसा, जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल हो, ये भी मतलब आप हैंड रेस्ट है, इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और ये देखिए, आपको ये साउंड है, ठीक है? हाँ, ये म्यूजिक प्लेयर है, आप इसे अपना जो भी हो मनोरंजन कर सकते हैं। अपना इमरजेंसी स्टॉप है ना? हाँ, ये इमरजेंसी स्टॉप है। और ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, ठीक है? और ये आपको हो गया मार्चिंग का लीवर, और ये एक्सलेटर हो गया, और ये फ्री फॉल का ब्रेक है, ठीक है? आप बताइए आपको क्या जानना है। सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद मतलब क्या सेटिंग? देखिए, सबसे पहले इसको स्टार्ट करना है। और देखिए, स्टार्ट करने के पहले ध्यान दे, आप चाबी ऑन करते हैं तो आपको चाबी ऑन करते ही नहीं स्टार्ट करना है, आपको कुछ टाइम रुकना है। जब ये डिस्प्ले रेडी हो जाएगा उसके बाद ये स्टार्ट करना है आपको। अच्छा जी, हाँ। कौन सा इसका इंगेशन कौन सा है? ये देखिए, ये वाला है, ये आपको रेस है, एक्सलेटर भी कह सकते हैं, हैंड एक्सलेटर, ठीक है? और ये आपको स्विच है, एक स्विच है जो आपका बूम का लाइट जलेगा। अच्छा, वो अपना, हाँ, फ्लाइट वाला। हाँ, और ये देखिए, ये दो है आपको, एक है आपको बूम का स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए, और एक स्विंग का स्पीड, वो आपको जैसा लगे उस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। और देखिए, ये डिस्प्ले ऑन हो गया। जी, डिस्प्ले तो डिस्प्ले में कुछ सेटिंग है, ठीक है? शायद आप लोग को पता ही होगा। ये देखिए, ये आपको LMI परसेंट है, ठीक है? और ये हवा का स्पीड कितना है ये आपको दिखा रहा है, और कितना फॉल है आपका, मतलब कितना वायर रोप भरे हैं वो है, ये एक्चुअली लोड कितना है, और ये मैक्सिमम अभी तक कितना लोड आप उठा सकते हैं, ये है। ये देखिए, सब इंच का है, ठीक है? अभी कोई भी इंच नहीं है, स्विच नहीं दिया हुआ है। और देखिए, ये सेट ओम है, तो इसका बूम ओम का सेट करते हैं, आपको पता होगा। ये सिस्टम सेटिंग है, इसमें टाइम सेटिंग कर सकते हैं, अपना ब्राइटनेस सेटिंग कर सकते हैं, ये कुछ सर्च कर सकते हैं। और ये म्यूट है, कभी कभी आप ओवर लोड माल उठाते हैं तो साउंड आता है। अगर 90% आप LMI परसेंट यूज करेंगे तो इसको आप प्रेस कर देंगे तो आपका साउंड केबिन का ऑफ हो जाएगा, ठीक है? और ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है वॉल्यूम। इसको आप बहुत लोग समझते हैं कि ये वॉल्यूम है, लेकिन नहीं, इसी से आप सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं, घटाना बढ़ाना है तो। अच्छा जी, ये वाला जो नीचे, हाँ हाँ, ये वॉल्यूम जैसा है ना इसको। और चलिए, यहाँ पे आ जाइए, ये आपको AC का, फैन का स्पीड है, ठीक है? और ये है आपको, मान लीजिए कि ये गर्म हवा चाहिए उसके लिए है, ठीक है? और ये AC का स्विच है, आपको फैन चलाना है, इसके बाद ये स्विच देंगे तभी आपको कूलिंग होगा, ठीक है? मतलब AC के साथ साथ में हीटर भी है। हाँ, हीटर भी है। और हीटर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं, इसीलिए मैं हीटर नहीं बोला। अच्छा, आपको हल्का हॉट करेगा, लेकिन जैसे कार में स्ट्रॉन्ग हीटर होता है उस टाइप का नहीं, आपको फॉग बनने लगेगा, ठीक है? और ये देखिए, ये जो स्विच है ना, बहुत लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं जानते हैं, जो देख रहे हैं ना AC का। तो देखिए, अगर आपको थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल फील हो अंदर, जैसे मान लीजिए उल्टी आने टाइप से, जिस टाइप से, तो आप ये अगर स्विच दाब देंगे ना, ये बाहर का हवा खींचेगा AC और आपको अंदर देगा, बाहर का क्लाइमेट, बाहर का क्लाइमेट आपको अंदर देगा। और अगर ये आप प्रेस नहीं करते हैं तो क्या है, अंदर का ही अंदर में रहेगा, तो बहुत लोग के एलर्जी होता है, उस केस में आप इसको यूज कर सकते। और ये तो आपको पता ही होगा, ये तो चार्जिंग का आइडिया है। और बताइए क्या जरूरत है? और स्टार्ट करने के बाद इसका अपडेट करने से पहले कुछ फंक्शन वगैरह, या अपडेट करने से पहले आपको विंच चालू करना पड़ेगा। ये फर्स्ट हुक का हो गया, ठीक है? और ये सेकेंड हुक का हो गया, ठीक है? ये बूम अप डाउन है उसका है, ठीक है? बाकी ये PTO है जी। और बाकी ये आपको स्विंग का, स्विंग ब्रेक है जी, ठीक है? तो आप इसको ऑन करने के बाद ही ऑपरेट कर सकते हैं। और ये लाइट है नॉर्मल, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है? ये साइड लाइट है, ये मेन लाइट है, ठीक है? ये विंच के पास का लाइट है, तो अभी इसमें दिया नहीं है, ये वाइपर है, ये सब। और क्या, ये बंद करने के लिए है,
और देखिए इसमें कुछ खास यूज नहीं है, ये चारों का यूज नहीं है, सब छोटी क्रेन में यूज नहीं होता है इसका। अच्छा, ऊपर वाले का ऊपर वाले के लिए आपको देखिए ये है जो स्विच है ना, इसको आप ऑन करके ये अपना जो ट्रैक अंदर बाहर करते हैं ना। अच्छा अच्छा, टेलर पे जब लोड करते हैं ना, हाँ उसके लिए है। और ये क्या है, मार्चिंग के लिए है, ठीक है। और ये फैन है जो पीछे फैन लगी हुई है उसका, केबिन फैन। हाँ, और ये जो है ना ऑक्स, अगर आपका मतलब ये ट्रैक अंदर नहीं होता, आपको हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ाने के लिए है। अच्छा, आप नॉर्मल इसको यूज नहीं कीजिएगा, जब आपको ये ट्रैक अंदर बाहर करना हो इस टाइम यूज करें तो अच्छा है। अच्छा, ये सब बटन किस चीज का दिया हुआ है ये? देखिए इसमें एक तो हॉर्न है पीला का, ठीक है। और चलिए एक बात, आपको कोई भी जैसे मान लीजिए कि आपको वायर अप डाउन करना है कुछ भी, तो आपको ये प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रेस करेंगे तो ही काम करेगा ये लीवर, नहीं तो नहीं करेगा। ये अच्छा सेफ्टी फीचर है इसमें, ठीक है। कहीं आपका हाथ से लग गया तो ये नहीं कि डाउन ही हो जाएगा, इसके लिए अच्छा बात है। चलिए आप ये स्विच में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपको हो गया हॉर्न का, इसमें दोनों में दिया है, ठीक है। और ये आपको फ्री फॉल का है, ठीक है, तो ज्यादा यूज नहीं है। और ये जो है ना, ये जो आपको ये लेफ्ट हैंड में, ये फ्री स्विंग का है, ठीक है। अभी कोई माल उठा रहे हैं आपको, तो आपको सेंटर करना है तो ये स्विंग आपको फ्री कर देगा, ये प्रेस करेगा। अच्छा, अपना ये ब्लू वाला ना? हाँ, ये ब्लू वाला, ठीक है। और सेम इसका है, ये फ्री फॉल का ये एक्चुअली नहीं है, इसमें यूज नहीं है, इसमें है, देखिए राइट साइड में, ठीक है, क्योंकि इसमें सेकेंड हुक में फ्री फॉल नहीं है, फर्स्ट हुक में। तो ये दिया है, ये हॉर्न का है, और इसका भी यूज नहीं है यहाँ पे। बोलिए इसमें कितना बूम अभी लगा हुआ है? देखिए इसमें एक्चुअली अभी 28 मीटर बूम है। इसका पूरा फुल बूम कितना है? इसका 52 मीटर। 52 मीटर है। हाँ, काउंटर वेट इतना ही है? हाँ, काउंटर वेट आपको इतना ही है, 16 टन का है, 100-200 का ज्यादा होगा। इंजन क्या अपना कितना हॉर्स पावर का होगा? इंजन कितना हॉर्स पावर का देखना पड़ेगा, ठीक है। सिलेंडर होगा मतलब? हाँ, ये 6 सिलेंडर। अब उतना इंजन के बारे में भी जानना कोई जरूरी नहीं है, मेन जो जानना है वो पूछिए आप। और क्या आपको जानना है ये बताइए। बस थोड़ा स्टार्ट करके दिखा दीजिए कि कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए स्टार्ट कर दे रहे हैं, कोई नहीं। देखिए अब ये स्टार्ट हो गया आपकी मशीन, और स्टार्ट कर दिए तो सबसे पहले स्टार्ट करके कुछ टाइम छोड़ना है, जैसे मान लीजिए कम से कम 2 मिनट, ठीक है। तो चलिए आप ये वीडियो बना रहे हैं तो हम ज़्यादा देर तो नहीं छोड़ सकते हैं, इसके चलिए काम तो सब ऊपर से घूम के आते हैं। ऊपर थोड़ा ऊपर से दिखा दो जाए, ये सब के बारे में हम पूछे नहीं। अच्छा है, देख लीजिए मैंने
ठीक है 947 का ये ऐड कर दिया। चलिए सबसे पहले आपको अपडेट करना है तो ये सब पहले विन चालू करेंगे, ठीक है। मैंने ये फर्स्ट हुक चालू कर दिया, सेकेंड हुक चालू कर दिया, ये आपको बूम का चालू कर दिया, ये स्विंग ब्रेक चालू कर दिया और ये पीटीओ भी चालू कर दिया। तो सबसे पहले एक बार हम आपको आगे करेंगे थोड़ा सा मशीन को और एक बार प्रणाम करेंगे। ईश्वर के बिना और विश्वकर्मा भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो एक बार इसको हम प्रणाम करेंगे और अब आपको ऑपरेटिंग करके दिखाएंगे। तो देखिए इससे मार्चिंग होगा, ठीक है। ओके, ये लीवर से देखिए ये मार्चिंग हो रहा है, मतलब मशीन आगे पीछे जा रही है। भाई मार्चिंग मतलब आगे पीछे। ओके, जो क्रेन चला था उनको पता चल जाएगा। जी जी, अच्छा। और चलिए ये हो गया आपको बॉल हुक का और स्विंग का, ठीक है। देखिए ये प्रेस करना है और हम नीचे करेंगे तो देखिए बॉल हुक नीचे होगा, आगे करेंगे तो हो रहा है। और देखिए इसको प्रेस करके ऊपर करेंगे, नहीं अगर आपको इसमें एक और भी सिस्टम है। हाँ जी, कौन सा? यहाँ से आपको चेंज भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, जैसे आपको बॉल हुक यूज करना है तो देखिए अभी ये मेन हुक पे है तो इसको बॉल हुक पे लाइए पहले। अच्छा, एक ज्वेलरी हुक पे अब ये आप यूज कर सकते हैं। अभी इसको हाविस करेंगे, ऊपर करेंगे तो हाविस होगा, ये हरिया करेंगे तो हरिया होगा और ये हाविस करेंगे तो हाविस, ठीक है। ओके, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, मेन हुक में डालेंगे। देखिए यहाँ मेन हुक में दिखा रहा है और ये है देखिए आपको हरिया, देखिए हरिया हो रहा होगा आपको और ये हाविस भी हो रहा है देखिए, और देखिए बूम ऑफ हो रहा है, डाउन हो रहा है और ये ऑफ हो रहा है। और देखिए कि ये स्विच है जिसको आप लोग बहुत से मतलब नॉर्मल भाषा में कछुआ खरगोश कहते हैं। अच्छा, तो इसको आप दे के मतलब स्विच ऑन करके आप अपना ये हुक का स्पीड बढ़ा सकते हैं। चलिए चलिए ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा उस्ताद। चलिए ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, आप कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझसे मिलिए, ठीक है। जाने का मतलब है कि इतना बहुत है, बाकी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हम ऑपरेटर हैं, ठीक है। चलिए तो ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, मैं मशीन को बंद करता हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, ठीक है। ठीक, आपने रिक्वेस्ट किया तो मैंने आपको समय दिया, ठीक है। ठीक, थैंक यू, ठीक है, बाय बाय।